बारात आ गई, जल्दी चल। बस दो मिनट फेरा, दो मिनट पक्का। कितना भी चिल्ला लो पर तुम्हारी आवाज इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाएगी। और कोशिश करनी है तो कर लो। कि मुझे कहा ले क्या गए, क्या चाहते आप? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देखिए मुझे पता आपकी अम्मी बीमार है, आप बहुत परेशान है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी होने वाली है। प्लीज देखिए मुझे जाने दीजिए। आप शादी तो होगी और अभी होगी। देखिए मेरी बारात घर पे आ चुकी होगी, मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होगी। समीर से शादी होना मेरी अम्मी का सबसे बड़ा सपना है। जिस इंसान से उसका निकाह होने वाला है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। प्लीज उनके सपने को मत तोड़िए, मुझे जाने दीजिए। आप मैजिक वैजिक करने की जरूरत नहीं, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। आप तुम्हारे नासों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का सच जानता हूं मैं। क्या सच जानते हैं आप? कि मेरी माँ एक, आप खुद को शरीफ कहते हैं, एक लड़की को उसकी शादी से उठा कर ले आना कहाँ की शराफत है? आपको लगता है आप अमीर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं? अगर आप बड़े खानदान से हैं तो क्या आप मुझे जबरदस्ती शादी कर सकते हैं? हाँ, मैं अमीर हूं इसलिए तुम्हें उठा के ला सकता हूँ, और बड़े खानदान से हूँ इसलिए आई गेट अवे विद इट, और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती?
रोशनी, 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 रोशनी बाहर आओ, मैंने कहा बाहर आओ। रोशनी कमरे में नहीं है। क्या हुआ? रोशनी अपने कमरे में नहीं है। बस बस तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जैसे हो। तुम्हारी बेटी शादी के मंडप से भाग गई। कह देना उससे कि उसकी बारात और तुम्हारे 51 लाख रुपए दोनों दरवाजे से वापस लौट गए। मैं अपनी ये बेइज्जती का बदला वापस लेने जरूर आऊंगा। याओ, मैंने कहा यहां आओ रोशनी। कहा यहां आओ रोशनी। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है रोशनी। मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कल पैसा, पैसा चाहिए तुम्हें। अब से ठीक 45 मिनट बाद मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाना। उसके बदले मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दूंगा। जो रकम सोच सकती हो सोच लेना।
और उसके पीछे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर कर लिख देना। मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेता, उसकी कीमत अदा करता हूं। और अगर मैं नहीं आई तो? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसे ऑफर को तुम ठुकरा ही नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तुम आओगी। मम्मी मैं आपको बता रही हूं, वो कोई इंसान नहीं है, वो जिन है। जिन अल्लाह नोज बेस्ट, उसके पास हवा में खुलने वाला डोर भी और जादू ही पास भी है। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। ये फालतू के किस्से कहानी ना किसी और को सुनाना, पहले मुझे ये बता कि दरवाजे पे आई बारात छोड़कर तू कहाँ चली गई थी? आज मुझे लग रहा है ना, 20 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तुझे इस घर में लाकर। 20 साल अपना पेट काट काट कर तुझे इतना अल्पोस कर बड़ा किया कि तू मुझे ये दिन दिखाएगी? एक बार भी तूने सोचा कि तेरी इस हरकत के बाद पूरा लखनऊ तेरी अम्मी पर कितना हंसेगा? अम्मी हम लखनऊ में रहेंगे ही नहीं, कहीं और चले जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, लेकिन उससे दूर। आपको पता नहीं अम्मी, वो मेरे पीछे पड़ गया। उसने बोला है कि वो रईस खानदान का, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसने बोला है वो मेरे से निकाह करना चाहता है, और उसके बदले वो मुझे ब्लैंक चेक देगा जिसपे मैं कोई भी रकम लिख सकती। मैं क्या करूं अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, मैं दूसरा रिश्ता कहाँ से लेकर आऊंगी? और जिस लड़की की बारात दरवाजे से आकर चली जाती है, और दुनिया में वो कहीं भी चली जाए उसकी बदनामी पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? सलमा के सितारों में ही दर्द लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? मम्मी, जिस नदी से तुझे उठाकर लेकर आई थी ना, उसी में कूद कर, मेरी गलती है अम्मी, मैं हार गई लाडो, हार गई। मैडम आप बाहर खड़े रहिए, बाहर खड़े रहिए प्लीज। देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है इनको दिल का दौरा पड़ा है। आप 50,000 रुपया काउंटर पे जमा कर दीजिए, इनके सारे टेस्ट अभी करने होंगे। मैं अपनी अम्मी के लिए अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी कंगन को बेच दूंगी। मेरे पास बेचने के लिए सिर्फ यही कंगन है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, बस थोड़ी देर में। फेंको, ये भी फेंको, वो फेंको, फेंको ये, फेंको। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, नहीं प्लीज, क्या कर रहे हैं आंटी आप?
भी दो। जिस लड़की की बारात घर के दरवाजे पे हो और वो घर से गायब रहे, ऐसी लड़की ना तो इस घर में रह सकती है और ना ही इस मोहल्ले में। इसीलिए मैंने अपने मुस्तंडों से सारे सामान बाहर फेंकवा दिए। अब इस सामान को उठाओ और यहाँ से निकलो। आंटी प्लीज चाबी दे। चलो मुस्तंडो। आंटी बड़ी नाचने वाली की लड़की। आंटी हमें जरूरत है, प्लीज हम सब ये प्लीज। चलो चलो प्लीज। कड़ा मेरा मेरा कड़ा। इनका दौरा पड़ा है, आप 50,000 रुपया काउंटर पे जमा कर दीजिए। इनके सारे टेस्ट अभी करने होंगे। तुम्हें एक ब्लैंक चेक दूंगा, जो रकम सोच सकती हो सोच लेना और उसके पीछे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर लिख देना। तुमको दिन का दौरा पड़ा है, आप 50,000 रुपया काउंटर पे जमा कर दीजिए। इनके सारे टेस्ट अभी करने होंगे। तुम्हें एक ब्लैंक चेक दूंगा, जो रकम सोच सकती हो सोच लेना और उसके पीछे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर लिख देना। तुम्हारी अम्मी मर रही है, तुम्हें अयाना से शादी करनी होगी और वो भी सूरज ढलने से पहले। सवाल ये नहीं है कि तुम अयाना से कितनी नफरत करते हो, सवाल ये है कि तुम अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रोशनी बोल रही हूँ। जी बोलिए। अब प्लीज अम्मी के सारे टेस्ट कर दीजिए। मैं पक्का पैसे भर दूंगी, जितने भी पैसे होंगे मैं भर दूंगी। अगर इस दुनिया में मेरी अम्मी के अलावा फिर कोई नहीं है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, सारे पैसे मैं पैसे कल सुबह तक भर दूंगी। बस टेस्ट शुरू कर दीजिए, मेरी अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं कल सुबह तक आपको समझ देता हूँ और सारे टेस्ट भी कर देता हूँ, लेकिन कल सुबह तक आपके सारे पेमेंट जमा होने चाहिए। जी जी पक्का, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगी। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी करी सिर्फ अपनी अम्मी के लिए करी। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ अपनी अम्मी के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। रोशनी अपने अम्मी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर क्या अमन और रोशनी का निकाह हो पाएगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।